नमस्कार दोस्तों, सीए न्यूज चिड़ावा न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। रेलवे क्रॉसिंग के दौरान अब हादसे नहीं होंगे। जी हां, मानव रहित आधुनिक स्वयं चालित रेलवे क्रॉसिंग मॉडल का निर्माण किया गया है, जिससे रेलवे क्रॉसिंग के दौरान होने वाले दर्दनाक हादसों में कमी आएगी। इस तकनीक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खूब सराहा गया है। दरअसल नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा आयोजित मेकर फेयर 2017 में प्रतिभा दिखाने का मौका दिया गया है। मेकर फेयर 2017 का आयोजन भारत सरकार द्वारा पहली बार प्लेस ग्राउंड बेंगलोर में आयोजित किया गया। इसमें बिरला शिशु बिहार पिलानी की विद्यार्थियों ने हुनर दिखाया। इसमें अटल स्कूल चैलेंज में विजेता होने के फलस्वरूप राजस्थान से एकमात्र विद्यालय बिरला शिशु बिहार पिलानी को मेकर फेयर 2017 में हिस्सा लेने का मौका मिला। बिरला शिशु विहार के छात्रों ने विनीत पांडे वरिष्ठ अध्यापक के नेतृत्व में मानव रहित आधुनिक स्वयं चालित रेलवे क्रॉसिंग पर बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल का निर्माण किया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदि शर्मा, ब्रजेश वशिष्ठ, गोरांस अग्रवाल और आदित्य रनवा ने प्रदर्शित किया। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में रेलवे क्रॉसिंग के कारण हो रही दुर्घटनाओं पर आधुनिक तकनीक के द्वारा रोक लगाना है। यह मॉडल ये बताता है कि रेलवे क्रॉसिंग पर किसी भी मानव को प्रविष्ट नहीं होने देगा जब तक रेल अपनी जगह से प्रस्थान नहीं कर ले। मेकर फेयर 2017 में पूरे विश्व भर के शिक्षा शास्त्री, वैज्ञानिक और शोधकर्ता ने हिस्सा लिया और अपने अपने विचार रखे। मेकर फेयर 2017 में दुनिया के ख्याति प्राप्त संस्थाओं को हिस्सा लेने का मौका मिला। बिरला शिशु विहार की टीम प्राचार्य श्री पवन वशिष्ठ के संरक्षण में बेंगलोर गई। प्राचार्य पवन वशिष्ठ ने भी इस मेकर फेयर 2017 में हिस्सा लिया और अपनी स्कूल का प्रतिनिधित्व किया। सभी शिक्षा शास्त्री, वैज्ञानिक और शोधकर्ता ने इस मॉडल को सराहा और प्रशंसा भी की। बिरला शिशु विहार की उपलब्धि पर सभी ने प्राचार्य पवन वशिष्ठ और विनीत पांडे की टीम को बधाई दी। इस दौरान कार्यक्रम में सूचना व तकनीकी मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रियंक खड़गे एवं अटल इनोवेशन मिशन के निर्देशक रामानंद रामनाथन भी मौजूद रहे। हाँ सर, बताइए, जो बच्चों ने जो नाम किया है स्कूल का, उसके बारे में, मॉडल के बारे में। मैं आपको इस बारे में बताना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्किल इंडिया का सपना है, तो स्किल इंडिया के सपने के लिए उन्होंने जो रोड मैप तैयार किया है, उस रोड मैप का एक पार्ट है अटल टिंकरिंग लैब। तो अटल टिंकरिंग लैब में हमारे यहाँ बच्चे जो है वो क्लास 6 से 12 तक के बच्चे इसमें एक्टिविटीज करते हैं। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि साइंटिफिक तरीके से समाज के उत्थान के लिए और उन प्रिंसिपल्स को अपने रोजमर्रा की लाइफ में हम कैसे इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं, देश के लिए हम आगे काम क्या कर सकते हैं। तो इसका, जैसे मैंने बताया कि एक मॉडल है, यही मॉडल आगे चल के इंजीनियरिंग कॉलेजेस और फर्दर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई होता है, जिससे कि बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए, जो कि बिट्स में भी हो रहा है कि स्टार्टअप बहुत से बच्चे शुरू करते हैं, तो एक शुरुआत है बच्चों के लिए। और इस मॉडल के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो पिछले दिनों कुछ मुजफ्फरनगर में जो रेल एक्सीडेंट हुआ था, वो हमारे यहाँ इंडिया में बहुत से ऐसे रेलवे क्रॉसिंग हैं जहां पे कोई गार्ड नहीं है, और उस वजह से अक्सर जो है लोग उसका फायदा उठाते हुए कि ट्रेन का पता नहीं चलता है और वो उसमें एक्सीडेंट्स होते हैं। तो उसी एक्सपेक्ट को उनको सिंथेसाइज हुए, बहुत ही एम्पैथेटिक थे बच्चे इस बात को लेके, और उन्होंने फिर ये मॉडल डिजाइन किया कि इवन अनमैन्ड, जिसको बोलेंगे रेलवे क्रॉसिंग्स पे भी, वी कैन पुट अप सम सेंसर्स, जिससे कि जब ट्रेन आए तो ऑटोमेटिकली वो लीवर बंद हो जाए। आगे इसके बारे में मेरे जो कुलीग हैं मिस्टर विनीत पांडे, जिनकी लीडरशिप में हमने अटल टिंकरिंग लैब एस्टेब्लिश की है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको इसके बारे में टेक्निकल एस्पेक्ट्स इसके बताएं। मॉडल में ना सिर्फ लीवर ट्रेन के आने पर नीचे होगा, बल्कि जो सिलेंड्रिकल बार्स हैं, जो पहले भूमि गत होंगी और बाद में ट्रेन आने पर वो भूमि से ऊपर आ जाएंगी, जिसकी वजह से जो लोग, जिनकी जनरल टेंडेंसी होती है कि ट्रेन आने का टाइम हो रहा है लेकिन फिर भी वो लीवर के नीचे से अपने व्हीकल्स वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं, तो उन सिलेंड्रिकल बार्स की वजह से जो लोग हैं
वो अपने व्हीकल्स को नहीं निकाल पाएंगे और इस तरह से दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकता है। आपका नाम? जी मैं आदिशन। कौन सी क्लास में हो? 10th standard। आप ये मॉडल बनाया है इसके बारे में बताइए। जी ये एक मॉडल है स्मार्ट अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग, ये ऑटोमेटिक जो है काम करता है। इसमें हमने सेंसर यूज किया IR सेंसर और Arduino। ये IR सेंसर यहाँ पर जो है इस ट्रेन को जो अप्रोच होती है लीवर क्रॉसिंग की तरफ उसको सेंस कर लेता है और जो ये लीवर है वो नीचे गिर जाता है और ये राइजिंग बोलार्ड ऊपर आ जाते हैं ताकि कोई लीवर के नीचे से निकलने की कोशिश ना करे। अक्सर इंडिया में जो है लोग नीचे से निकलने की कोशिश करते हैं, हम लोगों ने वो देखा और फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसको इस चीजों को रोकने की कोशिश किया जाए, तो हमने ये राइजिंग बोलार्ड्स का जो मैकेनिज्म यहाँ पे लगा है। मेरा नाम ब्रजेश है। हाँ, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको इस मॉडल बनाने का? जी हाँ, मैं इंस्पिरेशन तब मिला जब हाल ही में मुजफ्फरनगर में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें कई लोगों की मौत हुई और कई लोगों को बुरी तरह जख्मी हुए। ये प्रेरणा हमें इसलिए मिली कि वहां पे जो लीवर गेट था वो समय से बंद नहीं किया गया था जिससे बहुत लोगों को नुकसान हुआ था और रेलवे को भी बहुत नुकसान हुआ था। हमने वहां से प्रेरणा ली ताकि आज के बाद से ऐसा कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना ना हो।